ऐसा है, हम कोई काम करते हैं ना खुल के करते हैं, चोरी छुपे नहीं करते, ठीक है। प्रशांत किशोर से मेरा पूरा चर्चा हो रहा है, पूरे देश में परिवर्तन लाने के लिए प्रशांत किशोर मेरे साथ मिलकर काम कर रहा है, इसमें किसको क्या अड़चन है, क्या अड़चन है भाई, क्यों रो रहे? प्रशांत किशोर को बाम जैसा देख रहे, क्या बात है, इतना डर क्यों लग रहा है प्रशांत किशोर से? ये प्रशांत किशोर मा तो कल से पंजे तपेदी से उड़ा प्रशांत किशोर दर आर्टी आने डीप सर्वे चपता पीपल पलस पड़कटा अक संस्थे बाधा आने रहस्यमा मल्ड नीने आने रहस्यमा हरे रामचंद्र नीपनी तुंदर आगम 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 प्रशांत किशोर ने अतन कल पे देश पे तेलंगा पे इधे अमायकत्व मोतम कल पे कदा अंत कंबाइंड तेलंगा देश वेरे एंटायर देश आलोचन दिन अंतर्भाग ऑटोमेट किसको उसका अपमान कर रहे हैं आप ये भी बोल सकते हैं ना 3000 करोड़ दिया प्रशांत किशोर का रेट गमा रहे आप आने से 300 बोलकर उनका इज्जत खराब कर रहे हैं आप क्या बात है भाई एक बात आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं इट इज फॉर योर बेनिफिट आई एम टेलिंग फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल द फ्रेंड्स ऑल्सो प्रशांत किशोर इज माई बेस्ट फ्रेंड फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स वन मस्ट नो इट डन और याद रखिए प्रशांत किशोर अपने जिंदगी में कहीं पैसे लेके काम नहीं करता प्लीज टेक इट फ्रॉम मी ही नेवर वर्क्स ही इज नॉट ए पेड वर्कर यस यू पीपल डोंट नो हु इज प्रशांत किशोर व्हाट इज हिज कमिटमेंट फॉर द नेशन आप लोगों को जानकारी नहीं है आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है मुझे पेन हो रहा है कि अच्छा आदमी को बदनाम किया जा रहा है कहीं कौन साबित कर सकता है एक आदमी को आओ बोलो प्रशांत किशोर पैसे लेके किसी के लिए काम किया किसी के पास है कोई रिपोर्ट है कोई बता सकता है नीने आये इपू बोलता डबूल दीकोले फर् युवर इनफर्मेशन प्रशांत किशोर बीजेपी की पनचे जगनमोहन रेडी की पनचे प्रशांत किशोर मोहन ममता बेनर्जी की पनचे इवा रिक्वेस्ट वाले पनचे 12 राष्ट्रा पनचे आये नेशनल पॉलिटिक्स पनचे स्टालिन मारा तमिलनाडु पनचे चाल मंद पनचे बिहार चाल चोट आये यह नीन अड़ते देश राज अवगन काबी 12 राष्ट्र पनचे अभवी తప్పకుండా జాతీయ రాజకీయాలు ప్రభావితం చేయడానికి జాతీయ రాజకీయాలు ప్రభావితం చేయించడానికి కేసీఆర్ ప్రబల నిర్ణయం తీసుకున్నాడు కాబట్టి ప్రశాంత్ కిషోర్ నేనే పిలిచినా నేనే ఇన్వైట్ చేసినా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నాం ఎందుకు బాంబులు పడేట వదిలిపెడుతున్నారండి అదే పెద్ద రహస్యంలాగా కొత్త విషయంలాగా ఏమున్నది దాని నాకు అర్థంగా 100% ఈజ్ అ కమిటెడ్ పర్సన్ ఈయన చాలా రోజులు ఫారిన్ దేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేసిండు ఆయన యుఎన్ఓలో పనిచేసిండు ఈ వర్క్డ్ ఫర్ సో మెనీ కంట్రీస్ ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత అతను ప్రయత్నం అతను చేస్తున్నాడు